क्या रहता है कोलम रहता है, यहाँ से उसको लंबाई तक कोलम रहता है। आप कोलम के बारे में कोलम में क्या क्या फिट रहता है? कोलम मोटर रहता है, इससे जिससे इसको खोलेंगे जिसमें मोटर है। इसके ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोलम मिलिंग मशीन पे कोलम कहाँ पे मोटर कहाँ फिट रहा था, तो उसके कोलम पे फिट रहा था। ठीक है, आप कोलम पे जानते हैं क्या क्या फिट रहा था, तो मोटर आगे करता है स्पीड फिट रहा था, स्पीड लीवर रहता है, सकते हैं। और इस पर स्टार्टर लगा है कोलम पे, स्टेज से ऊपर उठाएंगे तो ये मशीन चलने लगेगा। अब हम क्या ये अभी जो फिटिंग आ रहा था हम चला के भी दिखा देंगे और चलते हैं। और इससे गैस पे एकदम सेट चलते हैं, इस पर क्या रहता है एनवीटी स्क्रू लगा रहता है, एनवीटी स्क्रू नी लगा रहता है, यहाँ पूरा पार्ट्स को नी बोलते हैं, यहाँ से देखा यहाँ तक पूरा पार्ट्स को नी बोलते हैं। और नी का क्या कार्य, नी में इनोवेटिव स्क्रू लगा रहता है, इसको नी के नी के ऊपर नीचे करने में और जॉब को सेट करने के लिए क्या रहता है, नी का लगा टेबल लगा रहता है, टेबल पे आप बताए टेबल टेबल पे तीस लाख को बता रहे हैं मशीन अभी स्टार्ट हो चुका है, ये ऊपर हो गया कॉलम से। और आप बता रहे टेबल के बारे में बता रहे, टेबल पे एक तीस लाख का रहता है, यदि बड़ा जॉब है उसको एंगल प्लेट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यदि हमको छोटा भी जॉब है तो मार्किंग कटिंग करने दिया मशीन बहुत छोटा से हम कटिंग अभी कर रहे हैं, मशीन का आप देख रहे हैं। और चलते हैं, ये आर्मर सपोर्टर है, ये आर्मर सपोर्टर का क्या काम है, जो यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा जो बना रहा है वो आर्मर है। आर्मर में क्या रखा है कॉलर रहता है, कॉलर छोटा छोटा भाग है, छोटा छोटा भाग है, छोटा छोटा जो भाग है उसको कटर कटर फिट रहता है। ये इंसान जो रहता है उसको बोलेंगे स्पिंडल, स्पिंडल से जो निकला रहता है इधर इतना भाग को आर्मर बनेंगे, ये इसका आर्मर सपोर्टर है। आर्मर सपोर्टर में क्या रहता है यहाँ तक हो गया, क्या बोले बोलिए मिलिंग मशीन के बारे में, मिलिंग मशीन के बारे में अभी ये जानकारी जो बन रहा है अनुसार अभी बन रहा है, नेक्स्ट मीटिंग में आप सेपल मशीन के बारे में जानकारी देंगे। ओके धन्यवाद। अभी ये जगह अभी कटिंग हो रहा है, बोलिए आप धीरे धीरे कटिंग करते हुए धीरे घंटे कटिंग हम लोग सर, ये अभी किस डायरेक्शन में कटिंग हो रही है, जो हमारा जो कटिंग टूल मूव हो रही है एंटी क्लॉक में कटिंग हो रही है कि क्लॉक वाइज में कटिंग हो रही है ना? और सर इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर 42 डिग्री पे टेम्प कर रहा है। अच्छा 42 डिग्री पे। तो सर ये अभी इसका रनिंग स्पीड क्या है, ये जो हमारा कटिंग टूल का है लगभग अप्रोक्सीमेटली समथिंग रनिंग स्पीड निकालना होगा। अच्छा ओके सर 2.5 जी जी ठीक है ओके, मतलब कुछ होगी 400-500 की समथिंग होगी। मशीन स्पीड ये 100 पर है। ओ 100 पे है। अच्छा ये अभी 100 RPM पे है, इससे भी ज़्यादा की स्पीड कटिंग हो सकती है, तो हो सकती है पर आपका ये जो जॉब है हाँ टॉप रहा है सिर्फ देख सकता है। ओके ओके आपको इसी हिसाब से घटना हो सकता है, ये स्पीड इस हिसाब से ज़्यादा नहीं कर दीजिए। ओके सर वीडियो आप लोग का बहुत अच्छा लगा, आप लोग का डेमोंस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा रहा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स ये हमारा मशीनिस्ट जो है मशीनिस्ट वर्क ट्रेड का जो वर्कशॉप है और यहाँ के जो मतलब ट्रेनी है बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और देखिए जो अभी हम लोग मिलिंग मशीन में जो देखे जॉब, ये जॉब बहुत ही अच्छी तरीके से जॉब को बनाया गया, इसका परफेक्शन देखिए। और इस तरह से हम अगर इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, और कटिंग करने के बाद इनकी मिलिंग करने के बाद इस तरह से कुछ जॉब दिखेगी। तो देख पा रहे फ्रेंड्स ये जो है हमारा
जो जॉब है इस तरह से कटिंग किया गया और इसका जो है बहुत ही बारीकी से फिनिशिंग किया गया। ये हमारा कास्ट आयरन था और इसका डायमेंशन हमने शुरू में ही देखा कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। पहले पंचिंग किया गया, पंचिंग करने के बाद हमारा मिलिंग मशीन पे इसको इंस्टॉल किया गया, उसके बाद मिलिंग कटर के द्वारा इसको कटिंग किया गया। तो इस तरह से यहाँ की जो मशीनिस्ट रेड है बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और ये हमारे जो मशीनिस्ट रेड के ट्रेनी हैं ये लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको काम किए हैं और ये बहुत सारे और ट्रेनी हैं जो कि काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी लग रही है हमको कि यहाँ पे बहुत सारी स्किल्स इन लोग को सीखने के लिए मिल रहा है और स्किल इन लोगों ने सीख भी लिया है और आगे भी देखेंगे। अभी अब तो मिलिंग मशीन्स के बारे में देखें, आगे फिर सेपर मशीन्स के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि किस टाइप का जॉब बनाया जाता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो जॉब होती है वो सारा मिलिंग मशीन्स और सेपर मशीन्स के द्वारा बनाया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।